तो तैयार हो जाओ न्यू अपकमिंग फोन्स के लिए। चलो बच्चों जल्दी निकलो बाहर। एक सेकंड, अब इसका क्या काम है? तो खाली हो गया, फेंक दो। मई का ये वाला जो मंथ था भाई, परफॉर्मेंस मंथ था। अब पूछो क्यों? क्योंकि मई मंथ में जितने भी फोन लॉन्च हुए भाई, टॉप नॉच परफॉर्मेंस वाले फोन लॉन्च हुए हैं। पिछले मंथ हमने जितने भी फोन को गेस किया था, आपको बताया था, ऑलमोस्ट भाई सभी फोन लॉन्च हुए हैं। जलवा है हमारा। वीडियो ना एंड तक देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग जबरदस्त फोन है। मई का मंथ जा चुका है, अब जून आ रहा है। जून का नाम सुनते गर्मी आ जाती है यार, लेकिन अब टेंशन मत रखो यार, ठंड रख। वन प्लस नथिंग, वीवो, रियलमी, आईक्यू, मोटोरोला, ओ माई गॉड कितने फोन लॉन्च हो रहे हैं यार इस जून मंथ में। ऐसे ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, आपका ना दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। कुछ फोन अंडर 10 के हैं, कुछ अंडर 20 के हैं, कुछ अंडर 30 के हैं और कुछ फ्लैगशिप है। आई नो आपने लेना वेना नहीं है, बस देखना है, तसल्ली देनी है दिल को। क्या कह रहे हो, इतना सच नहीं बोलना था? तो भाई जो सबसे पहले फोन की बात करते हैं, और ये फोन है भाई वीवो के तरफ से। वीवो फैंस के लिए गुड न्यूज है, ये फोन सीरियसली वाव 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 होने वाला है। मच अवेटेड वीवो एक्स फोल्ड 3 फोन फाइनली इंडिया में लॉन्च हो रहा है, कंफर्म्ड हो चुका है। इसके फीचर्स की बात करते हैं, इसमें आपको आमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज एचडी 12+ सर्टिफाइड होगा, डॉल्बी विजन होगा और 4500 इसकी पीक ब्राइटनेस होगी। स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर होगा, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा जिसमें टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा, 5500 एमएएच की बैटरी होगी, 80 वाट का चार्जर होगा। ये जो फोन है 6 जून को इंडिया में लॉन्च हो रहा है, और जो एक्सपेक्टेड प्राइस है भाई वो 80,000 के आसपास बताई जा रही है। इससे पहले हमने चैनल में भाई सैमसंग, ओप्पो, वन प्लस के फोल्ड फोन को टेस्ट किया है, आप लोगों को बताया है, लेकिन वीवो का भी फोन आ रहा है भाई, एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस फोन को टेस्ट करने के लिए। वैसे इसकी टेस्टिंग चल रही है, तो इसकी अनबॉक्सिंग देखने जल्द से जल्द। तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाओ, ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो भाई। दिल की घंटी बजे ना बजे, मनोज सारू के वीडियोस की घंटी टंग बजनी चाहिए भाई। अगला जो फोन है ये भी वीवो की तरफ से है, यस वीवो T3 लाइट। बता जा रहा है ये फोन भी इंडिया में लॉन्च होगा। इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6200 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और ये फोन अंडर 15,000 रुपीज में होगा, और ये वाला फोन भाई मंथ के एंड में लॉन्च होगा, मतलब 27-28 जून के आसपास। ओप्पो फैंस, यस ओप्पो F27 प्रो आ रहा है। इससे पहले ओप्पो ने भाई ओप्पो F25 प्रो लॉन्च किया था इंडिया में, बीच का जो 26 नंबर है ना, खा गया भाई। इसके फीचर्स की बात करो तो 6.7 इंच की, इसमें आपको अल्ट्रा ट्रस्ट 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर होगा, 64 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप होगा, 8 मेगापिक्सल सेल्फी होगी, 5000 एमएएच की बैटरी होगी। जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 30-25,000 के आसपास बताई जा रही है। अगला जो फोन है भाई वो है मोटोरोला की तरफ से। एक चीज मैंने नोटिस किया भाई, पिछले कुछ सालों में मोटोरोला जिस तरह के फोन लॉन्च कर रहा है, सीरियसली भाई वाव फोन्स हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट थोड़ा सा क्विकली दे देना, बोलते हैं ना चुम्मेश्वरी हो जाएगा भाई। तो जून मंथ में मोटोरोला दो फोन लॉन्च कर सकता है, जिसमें जो सबसे पहला फोन होगा वो बजट एंट्री लेवल स्मार्टफोन होगा, और ये फोन होगा मोटो G04S। इसमें 6.56 इंच की एक HD+ IPS डिस्प्ले होगा, 90 हर्ट्ज के साथ यूनिसॉक का T606 चिपसेट होगा, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा सेटअप होगा, 5 मेगापिक्सल सेल्फी, 5000 एमएएच की बैटरी, 15 वाट वायर चार्जिंग के साथ। एंड बता जा रहा है ये जो फोन है भाई फर्स्ट वीक ऑफ जून के आसपास लॉन्च हो सकता है, और इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो अंडर 10 के है। और दूसरा जो फोन है भाई वो है मोटो G85। यस जो G84 आया था उसी का सक्सेसर। और इसके फीचर्स की बात करो तो भाई 6.55 इंच की आपको एक पीओलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज के साथ, स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 प्रोसेसर होगा, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप होगा, 8 मेगापिक्सल सेल्फी होगी, 5000 एमएएच की बैटरी और 30 वाट का फास्ट चार्जर होगा। और ये वाला जो फोन है भाई 20,000 के अंडर आपको देखने को मिलेगा। यस जो मोटो G84 आया था उसमें थोड़े से चेंज करके मोटोरोला G85 लॉन्च कर सकता है इंडिया में। आईक्यू की तरफ से भी भाई फोन लॉन्च होने वाला है, आईक्यू Z9 Lite। बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, पहले Z9X आया था, फिर Z9X आया था, फिर Z9X आया था, अब ये Z9 Lite आ रहा है। सो कंफ्यूजिंग यार। और बता जा रहा भाई ये जो फोन है अंडर 10K में आएगा। नेक्स्ट जो फोन है भाई ये आपके दिमाग की टंग घंटी बजा सकती है भाई, लेकिन आपको ना वो सब्सक्राइब के बटन में जो घंटी दिख रही है ना उसको दबाना है और ऑल पे क्लिक करना है। OnePlus Nord CE 4 Lite, यस ये फोन भी आपको जून के मंथ में देखने को मिल सकता है इंडिया में। इस फोन को लेके भी काफी ज्यादा लीक्स रूमर्स निकल के आ रहे हैं, तो बहुत ही हाई चांसेस है ये जून में, थर्ड वीक ऑफ जून या फिर एंड में लॉन्च हो सकता है। फीचर्स की बात करते हैं, आपको 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 के साथ ये फोन आएगा, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप होगा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी होगी और 5500 एमएएच की बैटरी होगी। और ये जो फोन है भाई आपको 20,000 के अंडर देखने को मिलेगा। एंड भाई जब ये फोन लॉन्च होगा ना 20,000 के अंडर, नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग फोन भी ये बन सकता है। एंड इसके साथ ही भाई सूत्रों से कुछ खबर निकल के आ रही है भाई, OnePlus Nord 4 भी आ सकता है, इसी के साथ OnePlus वाले लॉन्च कर सकते हैं। वाह एक्साइटेड यार। नेक्स्ट फोन का इंतजार जो है वो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। अरे यहाँ तक कि भाई जिनको लेना वेना नहीं है सिर्फ देखना है वो भी वेट कर रहे हैं। वैसे मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ।
Yes, Nothing Phone 3. इसको लेके काफी ज्यादा लीक्स एंड रूमर्स आ रहे हैं. एंड कार्ल भाई जिस तरह की हाइप बना रहे हैं भाई, उनको तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए भाई. अगर आप x.com पे एक्टिव हो या फिर आपने मुझे फॉलो कर रखा है तो कार्ल भैया ने एक क्विक सेटिंग को लेके ट्वीट किया था. उस फोटो में एक एक्स्ट्रा बटन ऐड किया गया है. अब बहुत से लोग गेस कर रहे भाई, ये कैमरा शटर बटन हो सकता है या फिर असिस्टेंट बटन हो सकता है या फिर बता जरा एप्पल आईफोन 15 प्रो में जो एक्शन बटन है उसी की तरह ये एक्शन बटन हो सकता है. एंड इसका जो फ्रेम है भाई वो भी देखने में मेटल लग रहा है, तो हाई चांसेस है ये नथिंग फोन है. क्योंकि जितने भी जो नए फीचर्स होते हैं, न्यू एड ऑन होता है, कोई भी ब्रांड है अपने न्यू टॉप फोन्स में ही देता है. तो भाई ये फोन भी जल्दी लॉन्च हो सकता है. लेकिन उससे पहले एक खबर ये आ रही है कि भाई जुलाई मंथ में जो नथिंग का सीएम है फोन 1 है वो लॉन्च हो सकता है. एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं लेकिन हाँ जुलाई मंथ में ये फोन लॉन्च हो सकता है. ये फोन भी आएगा बोल के दिमाग की सटकली हो गई है भाई. यहाँ कुछ लीक्स निकल के आया है, इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 एसओसी देखने को मिल सकता है. नथिंग फोन 2 की तरह डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, 5000 एमएएच की बैटरी, 33 वाट का चार्जर और ये आपको 20,000 के अंडर देखने को मिलेगा या फिर 15,000 के अंडर आ जाए. मजा आ जाएगा भाई. देखो वीडियो आपको अच्छी लगती है ना दोस्तों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया करो, अपनी ओपिनियन रखा करो और वीडियो को लाइक किया करो यार. बस आपको क्या करना है, टच करना बस, फ्री तो है यार, लाइक कर दिया करो यार. Xiaomi की तरफ से भाई Xiaomi का CV फोन आ सकता है. CV का मतलब सिनेमैटिक विजन. भाई Xiaomi ने x.com पे ऑफिशियली टीज कर दिया है कि इनका जो CV फोन है वो आ रहा है. हाई चांसेस भाई ये जो फोन है Xiaomi का CV 4 Pro हो सकता है. एंड इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, Snapdragon 8S Gen 3 होगा और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा. और इसमें जो कैमरा होने वाला है ना भाई वो क्रेजी कैमरा होने वाला है. ओके जाते जाते भाई ऑनर की तरफ से भी कुछ लीक्स एंड रूमर्स आ रहे हैं. यस ऑनर ने अपना ऑनर 200 सीरीज को टीज कर दिया है एंड इट्स कंफर्म भाई ये भी इंडिया में आपको देखने को मिलेगा जल्द ही, शायद मिड में या फिर थर्ड वीक ऑफ जून में. इसके साथ ही भाई ऑनर अपना मैजिक जो सीरीज है वो भी लॉन्च कर सकता है. और हाँ जाते जाते एक अंदर की खबर, रियलमी इस मंथ यानी कि जून मंथ में अपना GT सीरीज का एक और फोन लॉन्च करने जा रहा है. गेस करके बताओ कौन सा. तो आप देखोगे भाई जून मंथ का महीना गर्मी भले बहुत ज्यादा है लेकिन भाई फुल पैक्ड होने वाला है. आई एम मच एक्साइटेड इन फोन्स को टेस्ट करने के लिए. क्या आपको कमेंट सेक्शन में बताना. क्या देखो इतनी अच्छी वीडियोस के लिए एक लाइक तो बनता है. कमेंट में अपना ओपिनियन, फीडबैक या फिर कुछ भी सवाल पूछ सकते हो भाई. वीडियो को फैला दो यार. बाकी क्या मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.